ये जो रेसिपी है ना, ये रेसिपी उनके लिए जो कहते हैं कि चाट कभी हेल्दी नहीं हो सकती, जो हेल्दी हो जाए वो चाट कैसी है? या फिर उनके लिए जो कहते हैं कि भैया देखो, अगर हेल्दी खाना है ना तो स्वाद को भूल जाओ। नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार। प्रोटीन से भरी दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाली सबसे सेहतमंद चाट लेके आ रहे हैं आपके पास, ठीक, लेकिन म्यूजिक के उस पार। कॉलिंग एंड एक्शन। थोड़ी मार कुटाई से काम शुरू कर लेते ना। तो पहले तो हरी मिर्च की कुटाई करनी है, फिर अदरक की कुटाई करनी है, फिर बनानी है चाय अदरक और हरी मिर्च की। सच में चाय बनानी है। देखिए, पानी गर्म कर रखा है मैंने। अदरक, हरी मिर्च, ये सॉल्ट, शुगर, लाल मिर्च, लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग। तो ये एक ब्रॉथ बना रहे जी हम। ब्रॉथ क्यों? ब्रॉथ इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम अपने हाई प्रोटीन वाले तमाम नुस्खे उबालेंगे। तो हाई प्रोटीन वाले तमाम नुस्खों में सबसे पहले तो चाट में क्या आएगा? चना जाएगा, ठीक है? तो ये काला चना है जो हमने सोख कर रखा है। फिर उसके बाद दो अतरंगी चीज़ें हैं जो कमाल की हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मज़ा ना आए पैसा वापस। पहले ये मूंगफली, ठीक है? ये मूंगफली जो है बगैर टोस्ट की हुई छिलके वाली मूंगफली है जिसको हमने सोख किया है। जितना टाइम आपने चने को सोख किया, 6-7 घंटे, उतने टाइम आपने मूंगफली को सोख करना है, ठीक है? पार्ट टू। पार्ट थ्री जो है यह है सोयाबीन, सोयाबीन की दाल, ठीक है? ये ऐसे करके मार्केट में मिलती है। देखिए, ये शादी से पहले ऐसी थी और शादी के बाद ऐसी, मतलब सोकिंग से पहले ऐसी थी और सोकिंग के बाद ऐसी हो गई। तो सोयाबीन की दाल जो है वो मार्केट में लाल भी मिलती है, सफ़ेद भी मिलती है। सफ़ेद का फ्लेवर लाइट होता है। अगर आप पहली बार सोयाबीन की दाल खा रहे हैं तो सफ़ेद से शुरू करें, ठीक है? अब ये तीनों चीज़ें हमने सोख कर रखी हैं, सोयाबीन, चना और मूंगफली। अब ये तीनों जो हैं ये प्रोटीन रिच हैं, सेहत से भरे हुए हैं, ये सबको पता है, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं। अब इनको कर देते हैं बॉयल, मूंगफली और सोयाबीन। कभी भी किसी चीज को उबालें तो उसको टेस्ट डालने का मौका समझें, कभी भी, हर मौके पर। जहां पर भी आप टेस्ट ऐड कर सकते हैं ऐड जरूर करें। हाँ, यहां पर आप और क्या डाल सकते हैं? यहां पर आप छिलका डाल सकते हैं, ऑरेंज का छिलका, उससे इसमें और अच्छा टेस्ट आएगा। फिर आप काली मिर्च की पोटली डाल सकते हैं, फिर आप लौंग डाल सकते हैं। हाँ, लो जी, ये हमारी प्यार की पोटली बन गई, सॉरी सॉरी, मसालों की पोटली बन गई। इसको हमने प्यार से पीट दिया और प्यार से इसको पानी के अंदर डाल दिया और लगा दिया ढक्कन और 15 मिनट के लिए इसको थैंक यू बोल दिया, ठीक है? देखो जी, दो चीज़ें हैं चाट में, एक तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं, बाकी बहुत सारी सब्जियां कटपिट के जाएंगी, बहुत सारी कटिंग होगी, और तीसरा है मसाला। तो मैं आपको ये भी बोल सकता था कि भैया एक काम करिए, थोड़ा नींबू लीजिए और थोड़ा चाट मसाला डालिए और हो गया। फिर मैंने कहा फ़ायदा क्या हुआ, रणवीर बाजार के ऐसे आके दुकान लगाने का क्या फ़ायदा हुआ? आपको मैं एक चाट मसाला दिखा देता हूँ ना, ईजी हो जाएगी लाइफ। अगर पहले कहीं दिखाया हुआ है तो क्षमा प्रार्थी हूँ दोबारा दिखाने के लिए। अच्छा, ये चाट मसाला जो है आप दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है? या तो इस चाट मसाले का पेस्ट बना सकते हैं। पेस्ट बनाने के लिए सब कुछ भूनिए पानी के साथ, पेस्ट बना के रख लीजिए लास्ट मिनट, वो पेस्ट लीजिए और मिक्स कर दीजिए। या फिर पाउडर बना सकते हैं, हम पाउडर बना रहे हैं। पेस्ट में आप हल्का सा इमली भी डाल सकते हैं। देखिए, घोला घाली नहीं करनी, कोशिश करिए सब कुछ अलग अलग भूने, ठीक है? ये हो गया जीरा, इसके बाद है जी सौंफ, ब्यूटिफुल। इसके बाद काली मिर्च, थोड़ा सा मेथी दाना, ऐसे देखिए 3-4 बस, धनिया, लौंग और भुनाई रुकनी नहीं चाहिए भाई और बहनों, कहता होगा ना, आप यूं ही अगर इसको भूनते रहे, भूनते भूनते प्यार हो जाएगा।
थोड़ी सी हींग, इसके अंदर डाला अमचूर, शक्कर, नमक और थोड़ा सा जिंजर पाउडर उर्फ सौंठ। और हम एक काम करते हैं, हम जो है अपने चाट मसाले को टहला के लाते हैं। आ रहे हैं। भूनते भूनते प्यार हो जाएगा। देखिए जी, कोई ज़रूरी नहीं है इसको बॉईल करना, ठीक है? आप चाहें तो सोख किए हुआ चना और मूंगफली डायरेक्टली उसकी भी चाट बना सकते हैं। बॉइलिंग से क्या होता है, चीज़ जो है ना वो पाचन में और आसान हो जाती है। ब्यूटिफुल। इसकी जो मोनोपोली है वो ना सोयाबीन है ना चना है, वो है ये मूंगफली। अगर आपने उबली हुई मूंगफली नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं खाया। अरे भुनी हुई बहुत खाई होगी आपने, ये खाई है। दूसरा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉयल करनी है चीज़ें, आप सोक करके डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा, जब भी आप इसको बॉयल करें तो बॉयल करते समय इसके अंदर खट्टा बिल्कुल ना डालें, मतलब नींबू ना डालें, इमली ना डालें, क्योंकि खट्टे से इसकी जो स्किन है वो टाइट हो जाती है। हाई प्रोटीन कोई भी चीज़ है उसको बॉयल करते समय कभी भी खट्टा ना डालें, ठीक है। ये गलती कभी ना करें, कभी ना करें। ये सारा जो पानी है इसका बढ़िया शोरबा, सूप, नींबू डाल के, मतलब क्या क्या नहीं बन सकता था। डोंट मेक दिस मिस्टेक, गलत चीज़ें ना सीखे रणवीर बरार से। जल्दी का काम शैतान का होता है, ठीक है जी। इसको संभाल के रखें शोरबे को, उसके नीचे मिर्ची विर्ची जो है उसको नीचे बहने दें, ऊपर का पानी निकालें, उसके अंदर बहुत प्रोटीन है। उसके अंदर नींबू डालें, बारीक चॉप धनिया डालें, बारीक चॉप पुदीना डालें, बारीक चॉप अदरक डालें, बारीक चॉप हरी मिर्च डालें, उसको सीजन करें काले नमक के साथ और बढ़िया से पिएं। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम, कि हमारी रेसिपी जो है 10 मिनट के नीचे ख़त्म हो जाती है। मुझे इस रेसिपी से उम्मीद है। और ये अदरक देखिए कितनी एकदम ऐसी फ्रेश अदरक है। अगर ऐसे दूध छोड़े ना अदरक तो इसका मतलब अदरक कच्ची और ताज़ी है। तीन चीज़ तो चॉप करनी करनी है ना, अदरक, हरी मिर्च और धनिया। जब तक ये रेसिपी आएगी तब तक जो है आईपीएल का मिड सीज़न चल रहा होगा, मतलब हर टीम जो है वो चार चार पांच पांच गेम खेल चुकी होगी और आप जो है वो फ्राइड खाना खा खा के बोर हो चुके होंगे। तो फिर आप ये सोच रहे होंगे यार अब जो है ना कुछ हेल्दी स्नैक्स खाया जाए मैच के साथ साथ। तो अचानक से ये रेसिपी आप देखेंगे और ये सोचेंगे कि रणवीर ने हमारे मन की बात कैसे सुन ली। होपफुली, हर चीज़ के आगे होपफुली है, होप है तो सब है ना, ठीक है जी। ये भी डन, इसको निकालो। अब कुछ चीज़ें कंपलसरी हैं और कुछ कंपलसरी नहीं है, ठीक है। जैसे नींबू कंपलसरी है, कच्चा आम कंपलसरी नहीं है लेकिन अगर मिलता है तो डाल लीजिए, ठीक है ना। टमाटर कंपलसरी नहीं है लेकिन अगर मिलता है तो डाल लीजिए। प्याज मेरी दुनिया में कंपलसरी है। अगर आप नो अनियन नो गार्लिक टाइप का खाना खा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से चलें तो प्याज बहुत कंपलसरी है, क्योंकि प्याज की शार्पनेस और प्याज की जूसीनेस, फ्लेवर और टेक्सचर दोनों लेवल पर काम करती है। प्याज को बारीक बारीक चॉप नहीं करना, कभी भी कुछ भी कटिंग चॉपिंग करें तो रेशियो सेम रखें। अब क्योंकि चना जो है वो बारीक तो है नहीं तो उसके साथ में जाने वाला प्याज बारीक कैसे हो सकता है। अब ये जी हमारा तोतापुरी, इसको लेते हैं छील। लोग प्यार में अंधे होते हैं, हम प्याज में अंधे हो जाते हैं। लोग प्यार में रोते हैं, हम प्याज में रोते हैं। समझ गए ना आप कि लोग क्या रुलाएंगे, हमको प्याज ने रुला दिया। टमाटर को जब आप चॉप करें ना तो बिल्कुल भी उसके सीड वीड ना निकालें, सब कुछ साथ में चॉप करें। सीड्स की जो जूसीनेस है ना, जो सीड्स का जूस है, उससे टेस्ट और अच्छा होगा, ठीक है जी।
बाकी चीज़ें ना ये भर भर के डालनी है, ठीक है ना। प्याज टमाटर अदरक ये सब भर भर के डालना है, कंजूसी नहीं करनी। जितना मज़ा चने का और मूंगफली का है उससे ज़्यादा या कम से कम उतना ही मज़ा इन चीज़ों का भी है। सैलेड नहीं बना रहे कि हर चीज़ थोड़ी कम कम और मेन इंग्रेडिएंट थोड़ा ज़्यादा, चाट बना रहे सब कुछ ठोक के दिल खोल के। अभी मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला है, नमक क्यों नहीं डाला है, क्योंकि चाट मसाला पड़ेगा, चाट मसाले में ऑलरेडी नमक है, और दूसरा जब हमने सब चीज़ें उबाली हैं तो उसके अंदर नमक डाला है। और देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि चाट ठंडी बनानी, मतलब एकदम गरम गरम पानी से निकाल के सीधे भी आप मसाले में डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया बनती है। देखो जी हेल्दी भी टेस्टी भी। अब एक काम इसके अंदर और कर सकते हैं, हल्का सा तेल डाल सकते हैं इसके अंदर। तेल क्यों? तेल से एक तो रिचनेस आएगी, रसाइयत आएगी, दूसरा दाल जो है वो जनरली रूखी होती है, तेल की वजह से उसमें टेस्ट और बढ़ जाएगा। लेकिन तेल सिर्फ ऐसे नहीं डालेंगे, क्या है कि कच्चा तेल डालने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको कच्चा तेल डालना है तो अगर तिल्ली का तेल है तो हाँ, सेसमे ऑयल है तो वो डाल लीजिए, कच्चा मूंगफली का तेल है वो भी डाल सकते हैं, अभी मूंगफली गई हुई है। लेकिन अगर कच्चा तेल नहीं है तो तेल को थोड़ा पका लेते हैं और उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा जीरा और सूखी लाल मिर्च, कोई भी डाल सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर टोमेटो चिली या मटन चिली डाली, ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे रणवीर हमारे पास नहीं, हम नहीं बनाएंगे, नहीं चलेगा, कुछ भी बहाना हम चलने ही नहीं देंगे। लेंटिल्स जो हैं वो ड्राई होते हैं, खुश्क होते हैं, हल्का सा तेल उनके लिए अच्छा है। वैसे भी हेल्थ का मतलब होता है बैलेंस, और बैलेंस का मतलब होता है जितने भी फूड ग्रुप्स हैं सब खाने चाहिए। तो तेल या लाइपिड्स या फैट्स भी एक फूड ग्रुप है जो कि हमारी खुराक में होना चाहिए, तो इसलिए हमने डाल दिया है। जी देखिए ब्यूटीफुल, देखिए चमक की चमक आ गई, टेस्ट का टेस्ट आ गया, मजे के मजे आ गए, फैंटास्टिक। चलो जी प्लेटिंग करो, फुल चटकारा है, एकदम चटकारा, मगर टेस्ट में 100 में 100, बाकी प्रोटीन में तो 100 में 120। प्रोटीन, गुड फैट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कोई भी बॉक्स चेक करवा लो जी आप। देखो जी सेब जो है ना ऑप्शनल है, वरना आप कहेंगे रणवीर इतना इतना बोला हेल्दी हेल्दी, बाद में डाल दिया डीप फ्राइड सेब, साथ ही बोल दे रहे हैं कि ऑप्शनल है। क्या बात है जी, ब्यूटी की ब्यूटी, टेस्ट का टेस्ट, सेहत की सेहत, ये कोई वो नहीं है एडवर्टाइजमेंट, ये रियलिटी है, और रियलिटी आपके सामने है। और जब आप बनाएंगे ये रियलिटी और इस रियलिटी को एक्सपीरियंस करेंगे तो आप छत के ऊपर खड़े होकर बोलेंगे भैया ये रेसिपी ट्राई करो, छत के ऊपर बाद में खड़े होएगा, फिलहाल अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में यहाँ वहाँ सब जगह रेसिपी शेयर कर दीजिए, बाकी यारी दोस्ती अपनी बनी हुई है, नहीं भी शेयर करेंगे तो भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, बनाइएगा ज़रूर। अगर आप अब बोर हो चुके हैं फ्राइड स्नैक्स खा खा के और IPL अभी भी चालू है या फिर इफ्तारी का टाइम है, बनाइएगा ज़रूर, थैंक यू वेरी मच।